नमस्कार दोस्तों, आज की फिर एक न्यू फ्रेश वीडियो में हम एक ऐसे ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो लेकर आए हुए हैं जो कि ऑल ओवर इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर फुल 43 एचपी की श्रेणी में सबसे ज़्यादा 196 एनएम के मैक्सिमम टॉर्क के साथ में आता है। और दोस्तों एक बात बता दूँ, अपनी श्रेणी में जिस ट्रैक्टर का टॉर्क सबसे ज़्यादा रहता है उस ट्रैक्टर की पावर परफॉर्मेंस साथ में उस ट्रैक्टर की खिंचाई सबसे ज़्यादा निकल के आती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट फीचर्स के साथ में। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस ट्रैक्टर की फुल डिटेल रिव्यू वीडियो कुछ खास फीचर्स के साथ में। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर आने वाले पंप की। तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा बड़े और डुअल पंप ऑफर किए हुए हैं, जिससे इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा शानदार और तगड़ी परफॉर्मेंस के साथ में आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस ट्रैक्टर में जो आपको हाइड्रोलिक के अंदर कंपनी ने यहाँ पर पंप दिया हुआ है सेपरेट, इसमें आपको जो है हाइड्रोलिक के अंदर सेपरेट ऑयल फिल्टर मिल जाता है जो कि बेटर तरीके से ऑयल फिल्ट्रेशन करके आपकी हाइड्रोलिक के यहाँ भेजता है, जिससे आपकी हाइड्रोलिक बेटर तरीके से परफॉर्म करती है। साथ ही यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक के अंदर स्टेनर ऑयल फिल्टर भी कंपनी ऑफर कर देती है। डोजर वगैरह के पॉइंटिंग की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने आपको देख सकते हैं डोजर वगैरह की पॉइंटिंग की भी पहले से प्रोविजनल करा के दी हुई है। यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में 12 वोल्ट 2 किलोवाट की सेल्फ स्टार्टर मोटर मिल जाती है। साथ में यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर का इंजन ऑयल फिल्टर मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर में यदि हम अल्टीनेटर के अंदर बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर में जो है आपको 12 वोल्ट 36 MPL के साथ में आने वाला अल्टीनेटर ऑफर करती है कंपनी, जिससे आपकी इस ट्रैक्टर की जो बैटरी की लाइफ है इन्हेंस होने के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से जो है चार्ज होने वाली है। बात करेंगे दोस्तों यदि हम इस ट्रैक्टर में फ्रंट बम्पर की तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड 50 kg का फ्रंट बम्पर मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर के यदि हम फ्रंट एक्सल की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी नॉन एडजस्टेबल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे वाले फ्रंट एक्सल ऑफर किए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ के लिए जाने जाते हैं। इस ट्रैक्टर में यदि हम बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इंडिया के काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड एमरॉन कंपनी की 12 वोल्ट 75 Ah के साथ में आने वाली बैटरी ऑफर की हुई है। साथ ही इस ट्रैक्टर के जो आपको रेडिएटर के सामने देख सकते हैं बैटरी की पोजीशन को डाउन करके रखा गया है, जिससे इस ट्रैक्टर के रेडिएटर में पर्याप्त मात्रा में हवा लगती है, जिससे इस ट्रैक्टर का रेडिएटर बेटर कूलेंट सिस्टम के साथ में परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। साथ में यहाँ पर यदि हम रेडिएटर के बाद यहाँ एयर फिल्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर विथ चोक सेंसर के साथ में दिया है, जिससे आपके इस ट्रैक्टर की जो एयर फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी की फ़िल्टर होकर इस ट्रैक्टर के इंजन में जाती है, जिससे इस ट्रैक्टर का इंजन बेटर कूलेंट सिस्टम के साथ में वर्क करता है। यदि हम बात करें स्टीयरिंग के अंदर तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ऑफर की हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस के साथ में वर्क करने वाली है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा फीचर्स कंपनी ने यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर में प्रोवाइड कराया हुआ है। इस ट्रैक्टर में जो आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग के अंदर सेपरेट ऑयल बॉक्स मिल जाता है, जिससे आपकी स्टीयरिंग लंबे समय तक स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ में वर्क करने वाली है। यहाँ पर जो आपको ट्रैक्टर में बॉस कंपनी के साथ में आने वाला सिंगल डीजल फिल्टर, साथ में साइड में जो आपको ट्रैक्टर में वाटर सेपरेटर की पोजीशन मिल जाती है। दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो आपको फ्यूल इनलाइन पंप मिलता है, यहाँ पर जो है कंपनी आपको इस ट्रैक्टर में बॉस कंपनी का फ्यूल इनलाइन पंप ऑफर करती है। यदि हम इस ट्रैक्टर में इंजन की बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर में मिलता है आपको फुल 43 HP का इंजन जो कि 196 Nm की मैक्सिमम टॉर्क के साथ में आता है। साथ ही इस ट्रैक्टर का इंजन 540 से लेकर 2200 स्टैंडर्ड रेटेड RPM तक वर्क करता है। और इस ट्रैक्टर में जो आपको इंजन मिल जाता है 4-stroke डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में सिंगल पीस एरोडायनेमिक लुक के साथ में आने वाला बोनट मिलता है, तो उसको होल्ड करने के लिए कंपनी ने जो आपको इस ट्रैक्टर में डुअल शॉक आप ऑफर किए हुए हैं। साथ ही आज की इस वीडियो में हम जिस ट्रैक्टर का फुल डिटेल रिव्यू कर रहे हैं ये है सोलिस की तरफ से आने वाला सोलिस का 4215, जो कि इंडिया में एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है जो कि फुल 43 HP और साथ में 196 Nm की सबसे ज़्यादा दमदार टॉर्क के साथ में आता है। चलिए अब हम इस ट्रैक्टर में और भी ज़्यादा फीचर्स की बात करेंगे। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस ट्रैक्टर के यदि हम फ्रंट टायर की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको 6x16 का गुडियर का टायर ऑफर किया हुआ है। पिछले टायर की यदि हम बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर का जो पिछला टायर है आपको 13x28 टायर साइज के साथ में आता है। यहाँ पर जो है कंपनी ने आपको इस ट्रैक्टर का फुट स्टेपर इंजन से कनेक्ट करके दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी के साथ में लॉन्ग लाइफ के साथ में आता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में टूल बॉक्स लोहे का ऑफर किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी लाइफ आपको प्रोवाइड करेगा।
प्लेटफॉर्म के अंदर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने जो आपको इस ट्रैक्टर में एकदम फ्लैट प्लेटफॉर्म ऑफर किया हुआ है। साथ में ये ट्रैक्टर 5 ईयर इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के अंदर आता है। और साथ ही इस ट्रैक्टर में यदि हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 55 लीटर की जो आपको इस ट्रैक्टर में फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड ड्राइवर ग्रैब हैंडल मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड पैसेंजर ग्रैब हैंडल और यहाँ पर जो आपको ब्रेकिंग लाइट और इंडिकेटर का LED टाइप परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो है सोलिस इस ट्रैक्टर में ऑफर करता है। और इस ट्रैक्टर में जो है आपको कूलेंट सिस्टम के अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छे खास तौर से ध्यान रखा हुआ है। 7 जगह से जो आपको इस ट्रैक्टर में एंटर और एग्जॉस्टिंग मिलने वाली है एयर के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर के ऊपर और बात करेंगे और भी ज़्यादा फीचर्स की। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अभी जस्ट मैं वीडियो बनाने आया था तब पानी गिर गया तो थोड़ा रुक के मैंने वीडियो बनाई है। तब तक इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग के लिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना बनता है। चलिए बात करते हैं अब हम इस ट्रैक्टर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया हुआ है, जिसमें आपको 11 तरह की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में फ्यूल इफिशेंसी, लाइव RPM की इन्फॉर्मेशन, ट्रैक्टर के टोटल ड्रिविन घंटे, साथ में समय की इन्फॉर्मेशन, ट्रैक्टर टेम्परेचर, गियर पोजिशन इंडिकेटर जैसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती हैं। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और साथ में हॉर्न का कंट्रोल मिल जाता है। राइट तरफ यदि हम बात करेंगे ड्राइवर के तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में DC PC लीवर मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में जो यदि हम गियर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ गियर 5 मिल जाते हैं मेन गियर। और यदि लेफ्ट तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में लो हाई और रिवर्स का गियर मिल जाता है। यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर में 540 स्टैंडर्ड RPM में वर्क करने वाला PTU गियर मिल जाता है, जो कि मल्टी गियर स्पीड के साथ में आता है। यदि हम इस ट्रैक्टर में ब्रेकिंग के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी ने जो है आपको इस ट्रैक्टर में मल्टीप्लेटेड के साथ में OILIMARS डिस्क ब्रेक ऑफर किए हुए हैं। साथ ही ये ट्रैक्टर डुअल क्लच के साथ में आता है, इसी से आप इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और PTU ऑपरेट करने वाले हैं। चलिए हम आपको इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करके RPM और साथ में टर्निंग रेडिएशन चेक कराते हैं। टर्निंग की यदि बात करें तो काफ़ी शानदार टर्निंग रेडिएशन है इस ट्रैक्टर का अपनी श्रेणी के अंदर, ये देख सकते हैं। RPM की बात करेंगे 1800 रेटेड RPM कंपनी क्लेम करती है, फुल 1800 रेटेड RPM ट्रैक्टर के इंजन पर करता है। यहाँ पर जो आपको ट्रैक्टर का इंजन कट ऑफ लीवर मिल जाता है। मिरर पोजीशन की बात करें तो काफ़ी शानदार जगह में प्लेसिंग है, जिससे आपको पीछे की तरफ की विजिबिलिटी बेटर तरीके से मिलने वाली है। चलिए चलते हैं अब हम इस ट्रैक्टर से नीचे, बात करेंगे और भी ज़्यादा फीचर्स की। इस ट्रैक्टर में जो है आपको फुली कॉन्स्टेंट मैक्स 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स साइड शिफ्ट गियर बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक लॉक मिल जाता है, जिससे आप अपनी लिफ्ट को स्लो और स्पीड कर सकते हैं। मल्टी एडजस्टेबल के अंदर सीट मिल जाती है। बात करें फेंडर के नीचे गैप की तो वो भी काफ़ी शानदार कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है, जिससे आपको पर्लिंग मचौवा करते समय कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए अब हम इस ट्रैक्टर में स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस की बात कर देते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में इंजन के अंदर 245 और 185 किलोवाट का और साथ में PTU के अंदर 29.5 किलोवाट का स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस देखने के लिए मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इस ट्रैक्टर से पीछे की तरफ। बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर में पीछे की तरफ के फीचर्स और लुक की तो यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में सोलिस का डेलिकेटेड लुक मिल जाता है। फीचर्स की यदि हम बात करें इस ट्रैक्टर में तो सिंगल डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिलहाल में सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब है। यहाँ पर टापलिंग के अंदर कंपनी 3 पॉइंट ऑफर करती है, ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में 2 लीटर तक का वाटर स्टोरेज, साथ में यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार और साथ में रिफ्लेक्टर की पोजीशन। और इस ट्रैक्टर के फेंडर ना फैलें इसलिए कंपनी ने जो है यहाँ पर आपको हैवी ड्यूटी पाइप अटैच करके दी हुई है, जिससे आपके इस ट्रैक्टर के फेंडर नहीं फैलते बिल्कुल भी। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में गोल वाली हेलोजन लाइट जो कि नाइट में आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देने वाली है। साथ ही आगे की तरह सेम कॉम्बिनेशन इंडिकेटर विथ ब्रेकिंग लाइट। यहाँ पर जो आपको इस ट्रैक्टर में इंडिकेटर विथ नंबर प्लेट कंपनी फिटेड मिल जाती है, जो कि हैवी ड्यूटी के अंदर मिलती है। इस ट्रैक्टर में दोस्तों यदि हम बात करें PTU के अंदर तो ये ट्रैक्टर आता है 443 HP के साथ में, और इस ट्रैक्टर में मिलता है इंजन से महज 3 HP कम 40 HP का मल्टी गियर स्पीड PTU, जो कि 10 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर ऑप्शंस के साथ में आता है। साथ ही इस ट्रैक्टर में जो आपको 2000 kg की बेहतर सेंसिंग वाली लिफ्ट कैपेसिटी ऑफर करता है सोलिस। तो दोस्तों ये थी सोलिस की तरफ से आने वाले सोलिस 42-15 की खूबियों से भरी फुल डिटेल रिव्यू वीडियो।
आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय किसान।